चंद दिन पहले हमने आपको यासिर नवाज की नई फिल्म के बारे में बताया था। इस हवाले से हमने आपको एक्सक्लूसिव न्यूज दी थी कि यासिर नवाज ने इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया है और आजकल फिल्म के लिए कास्टिंग का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही ये भी बताया था कि इस फिल्म के लीडिंग रोल्स के लिए फेरोज खान और मावरा हुसैन को कास्ट कर लिया गया है। जबकि आज हम आपको इस फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं और वो ये कि इस फिल्म में खुद यासिर नवाज भी एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं और उनके साथ जावेद शेख और अहमद हसन भी शामिल हैं। यासिर नवाज, जावेद शेख और अहमद हसन, ये तीनों इस साल ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली कॉमेडी फिल्म रॉन्ग नंबर 2 का भी हिस्सा रह चुके हैं। जराए के मुताबिक अहमद हसन इस फिल्म में भी एक कॉमिक रोल प्ले कर रहे हैं। यासिर नवाज की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म एक थ्रिलर कॉमेडी फिल्म होगी विद फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। फिल्म के म्यूजिक के लिए 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स की खिदमात ली जाएंगी और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक गाना अली तारिक और एहसन अली ताज भी बना रहे हैं। अली तारिक, जिन्होंने परे हट लव का मशहूर गाना बहकाना भी गाया है और वो रॉन्ग नंबर 2 के लिए भी गा चुके हैं। इस फिल्म में मावरा हुसैन का एक स्पेशल डांस नंबर भी शामिल है। फिल्म की शूटिंग का आगाज जनवरी से किया जाएगा जबकि फिल्म अगले साल रिलीज की जाएगी। फिलहाल रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इस फिल्म के मजीद अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के साथ।